अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने कल अपने लास्ट लेक्चर पे देखा था, एक शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का किया था, जनरल साइंस का, साइंस से क्या मुराद है। और दूसरा हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि साइंस की अहम शाखाओं के नाम लिखें और उन शाखाओं के मुतालिक आप क्या जानते हैं। तो हमने कुछ ब्रांचेस की थी साइंस की, पेज नंबर 7 पे स्टार्ट हो रही है हमारी, और हमने जूलॉजी तक की थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ब्रांच स्टार्ट हो रहा है इल्म फलकियात, ठीक है। ये इसी क्वेश्चन का पोर्शन है जिसे आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। फलकी जिसम मसलन सूरज चांद और सितारों और सियारों के इल्म को इल्म फलकियात या एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी इंग्लिश में कहते हैं इल्म फलकियात को। और उसने बता दिया कि जितने भी फलकी जिसम हैं उन सब के इल्म को इल्म फलकियात कहते हैं। रियाजी अदाद व पैमाइश की खसूसियात का इल्म है, जिसमें हिसाब, अलजबरा और ज्योमेट्री वगैरह शामिल हैं, जो कि आप डेली बेसिस पर पढ़ते भी हैं और आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है। यहाँ तक शामिल हैं तक इसका निशान लगाने के बाद आपने इसकी तीसरी लाइन में लिखना है, न्यूटन और आइंस्टाइन मशहूर रियाजीदान गुजरे हैं। उसके बाद है ज़रात, खेती बाड़ी के तरीके, गोश्त और दूध देने वाले जानवरों को पालने का इल्म ज़रात कहलाता है, ठीक है। फसलों की बीमारियां, इनसे बचाव के तरीके, ज़रात में इस्तेमाल होने वाले आलात, मशीनें, खादें, जरासीम कश अद्वियात की तैयारी वगैरह इसी साइंस में शामिल हैं। मतलब ये सारा काम ज़रात में होता है, साइंस के इस ब्रांच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास मेडिसिन। ये साइंस की वो शाखा है जो जानदारों के अजसाम की साख्त यानी स्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अमराज की तशखीस, तरीका इलाज, अद्वियात की तैयारी, तशखीस, इलाज में इस्तेमाल होने वाले आलात और मशीनों के इल्म से मुतल्लिक है। यानी ये जितने भी अभी हमने काम पढ़े हैं ना, ये सब इस साइंस की ब्रांच में देखे जाते हैं, ओके। आगे है जियोग्राफी। तो जियो के मायने ज़मीन और ग्राफी के मायने है ग्राफ बंदी। गोया जियोग्राफी के तहत ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों यानी खुश्की और तरी के इलाकों की ग्राफ बंदी की जाती है। यहाँ तक अब हमारे इसके साइंस के दो क्वेश्चन कवर हो गए हैं, ठीक है। आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है ताकि आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएं। इंशाल्लाह कल हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओके।